You got that magical touch. Newly launched e-class. Showing you love me, I blush. It's a feeling I get. Hello, my dear viewers. Welcome back to Times Drive. I'm your host and dost Ankur Taneja. और आज हमारे साथ है Mercedes की newly launched e-class. This is the car that we have. Magical touch. This is the 350D variant. इसमें आपको तीन वेरिएंट के ऑप्शन है. One is the petrol, that is 200D. डीजल में दो का ऑप्शन है 220D एंड दिस 350D. क्या आपको इसमें नया मर्सिडीज ने ऑफर करा है इस नई ई क्लास LWB यानी लॉन्ग व्हील बेस में, बात करते हैं उसकी. फ्रंट लुक की बात करें तो यहाँ पर आपको कम्प्लीटली रीडिजाइंड आपको देखने को मिलेगा. यहाँ पर इसका जो हेडलैम्प है ये नया है, इसका डिजाइन बदला गया है. यहाँ पे आपको सिंगल यहाँ पे DRL दिखेगा जो कि पहले दो में था, डिवाइड था, अब सिंगल आपको देखने को मिलेगा. यहाँ पर इसके आपको हेडलैम्प्स देखने को मिलेंगे जो कि सब LED हैं. नीचे आपको इसके यहाँ पर देखेंगे सेंसर्स दिए गए हैं 360 डिग्री. ये सेंसर्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे. जो ग्रिल का डिजाइन है ये आपको सिर्फ 350D में देखने को मिलेगा. इस वेरिएंट में जो ये स्टार वाले डिजाइन दिए गए हैं, दैट इज व्हाट मर्सिडीज इज कॉलिंग इट, 200D में आपको अलग ग्रिल का डिजाइन देखने को मिलेगा. और 220D में भी आपको ग्रिल का डिजाइन थोड़ा पैटर्न यहाँ पे अलग देखने को मिलेगा. सेंटर में बड़ा सा मर्सिडीज का लोगो है. क्रोम का एलिमेंट दिया गया है ज्यादा यहाँ पर भी, और नीचे भी आप देखेंगे यहाँ पर स्किड प्लेट में आपको क्रोम देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें जो है ये AMG वेरिएंट है. इसमें थोड़ा वो स्पोर्टियर फील देने के लिए ये सब एलिमेंट्स यहाँ फ्रंट में यूज करे गए हैं. आपको इसमें मिलते हैं 18 इंच के अलॉय व्हील्स, एंड ये अलॉय व्हील्स AMG अलॉय व्हील्स हैं जो कि सिर्फ आपको इस 350D वेरिएंट के साथ मिलेंगे. 18 इंच के आपको इसमें व्हील्स दिए गए हैं 245 सेक्शन के, लेकिन जो इससे नीचे वाले वेरिएंट हैं उनमें आपको 17 इंच के व्हील्स देखने को मिलते हैं. लॉन्ग व्हील बेस एज मर्सिडीज इज कॉलिंग इट, और साइड से वैसा ही लुक आपको देखने को मिलेगी. एंड स्कर्ट्स में भी, साइड स्कर्ट्स में यहाँ पर आपको एक क्रोम का एलिमेंट देखने को मिलेगा सिर्फ इस AMG वेरिएंट में. यहाँ पर रियर लुक की बात करें तो अब आपको इसमें ये स्प्लिट टेल लैंप्स देखने को मिलेंगे जो कम्प्लीटली LED हैं. एंड यहाँ सेंटर में भी आपको क्रोम का स्ट्रिप दिया गया है. 350D की बैजिंग, E350D की बैजिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी. सेंटर में मर्सिडीज का लोगो है. एंड इसका जो नीचे टेल है ये भी आपको अलग देखने को मिलेगा सिर्फ इस 350D वेरिएंट में. ड्यूअल एग्जॉस्ट टेल्स आपको देखने को मिलेंगी विद क्रोम एलिमेंट जो उनके चारों तरफ है. एंड विंडोज के साइड में भी आपको क्रोम का एलिमेंट देखने को मिलेगा. तो कुछ इस तरह से ये मर्सिडीज की ई क्लास बाहर से देखने में लगती है. अंदर क्या दिया गया है एक बार वो देख लेते हैं. Now let's talk about the interior of this new Mercedes E-Class LWV variant. This is a 350D variant. यहाँ पर प्रीमियमनेस का मामला भरपूर आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो यहाँ डैशबोर्ड की बात हो, सीट्स की बात हो. यहाँ पर आपको जो पैटर्न दिया गया है वुड पैटर्न, थोड़ा सिल्वर देखने को मिलेगा. बेज का इस्तेमाल किया गया है सीट्स एंड डैशबोर्ड में. ओवरऑल जो इंटीरियर है मोस्टली आपको रूफ में भी बेज का टोन इसमें देखने को मिलेगा. एंड सेंटर में वही वुडन टच देने की कोशिश की है मर्सिडीज ने. यहाँ पर जो इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, दिस इज MBUX सिस्टम मर्सिडीज का जो और गाड़ियों में हमें देखने को मिलता है. 12.5 इंच का स्क्रीन यहाँ पर है. एंड इंस्ट्रूमेंट पैनल के लिए भी आपको 12.5 इंच का स्क्रीन देखने को मिलेगा. अलग अलग फीचर्स, नेविगेशन, रेडियो, मीडिया कनेक्टिविटी, मर्सिडीज मी ऐप कनेक्टिविटी इसमें देखने को मिलेगी. एंड देयर आर द कंफर्ट सेटिंग्स. तो अलग अलग मोड आपको इसमें देखने को मिलेंगे. पांच मोड दिए गए हैं. वन इज इंडिविजुअल जो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज सेट कर सकते हैं. देन अनदर इज स्पोर्ट, स्पोर्ट प्लस, कम्फर्ट एंड ईको. तो ये मोड्स आपको इसमें ड्राइविंग के लिए दिए गए हैं. यहाँ से आप जो डायनामिक सिलेक्ट का बटन है यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं. एंड दिस कार कम्स विद द ए बॉडी सस्पेंशन सेटअप, यानी इसको आप लिफ्ट अप कर सकते हैं. इन केस यू आर वॉन्डरिंग कि ये कार इंडियन रोड्स के हिसाब से कहीं नीचे लग सकती है, तो यहाँ पर आपको लिफ्ट अप करने का ऑप्शन इसमें देखने को मिलेगा. यहाँ पर बटन दिए गए हैं, पार्किंग असिस्ट के दिया गया है. देयर इज टच पैड इन द सेंटर जिससे आप इसके स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हैं, विच इज ऑल्सो देयर इन अदर मर्सिडीज कार दैट वी हैव सीन. यहाँ पर स्टीयरिंग पे नापा लेदर का यूज करा गया है. एंड ये प्रीमियम जरूर लगता है, थोड़ा मुझे लगता है कि ये गंदा हो सकता है, बट स्टिल. लेफ्ट साइड में आपको जो बटन दिए गए हैं वो आप इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने के, एंड राइट साइड में क्रूज कंट्रोल के बटन हैं. एंड इसका जो इंस्ट्रूमेंट पैनल है उसको कंट्रोल कर सकते हैं. उसमें भी अलग अलग मोड हैं, आप इसके अलग अलग डिस्प्ले सेटिंग कर सकते हैं. क्लासिक, स्पोर्ट, प्रोग्रेसिव, अंडरस्टेटेड एंड स्टैंडर्ड डिस्प्ले, ये अलग अलग इसके स्क्रीन के मोड हैं, तो उससे आप उनका डिस्प्ले चेंज हो जाएगा. साइड में सीट एडजस्ट करने के बटन यहाँ देख सकते हैं आपको दिए गए हैं. बोमेस्टर साउंड सिस्टम दिया गया है. एंड उसके अलावा आपको जो बेज और ये वुडन टच दिया गया है, यहाँ पर आपको ब्लू लेदर स्टिच देखने को मिलेगा. ओवरऑल डैशबोर्ड पे
थोड़ा नेवी ब्लू के आसपास का ये टोन है एंड वो आपको डोर्स में भी देखने को मिलेगा। एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है, अलग अलग कलर्स आप सेट कर सकते हैं एम्बिएंट लाइटिंग के यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम के थ्रू। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द कार फील्स कंफर्टेबल एंड लग्जूरियस वंस यू सिट इनसाइड इट। कुछ स्पेस आपको यहाँ देखने को मिलेगा, आर्मरेस्ट के नीचे कुछ स्पेस है, USB-C चार्जिंग पोर्ट्स हैं यहाँ पर एंड देयर इज आल्सो सम स्पेस ओवर हियर। दो कप होल्डर्स का स्पेस है, 12 वोल्ट का सॉकेट है एंड देयर इज आल्सो वन USB-C चार्जिंग पॉइंट एंड यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग पैड भी इसमें देखने को मिलेगा। AC कंट्रोल्स यहाँ पर दिए गए हैं, ये भी आपको क्रोम टोन में देखने को मिलेंगे। एंड उसके अलावा यहाँ फिजिकल बटन्स यहाँ पर टेलीफोन, नेविगेशन, रेडियो, मीडिया के लिए आपको देखने को मिल जाएंगे। यहीं पर इसका हैजार्ड लाइट का स्विच भी दिया गया है। पीछे चलते हैं, देखते हैं वहां लग्जरी थोड़ी ज्यादा बड़ी है या नहीं। तो एज यू कैन सी यहाँ पर एकर्स के हिसाब से स्पेस, अगर हम गाड़ी के स्पेस की बात करें तो वैसा स्पेस आपको देखने को मिलेगा एंड काफी कंफर्टेबल। जो मैं कह रहा था कि आगे बैठकर कि यहां पर प्रीमियमनेस थोड़ा बढ़ता है कि नहीं, यस, वो प्रीमियम वाला फील, वो लग्जरी वाला फील यहां पर आके और बेहतर हो जाता है रियर सीट में आके। स्पेशली स्पेस को लेकर यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहां पर आपको पैनोरामिक सनरूफ दी गई है जो कि स्प्लिट है, आपको देखने को मिलेगी। एंड यहां पर आपको ये मिरर्स दिए गए हैं, आपको बाल सेट करने हैं, आपको चेहरा देखना है तो आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर इसकी लाइट ऑन हो जाएगी एंड देयर इज आल्सो दिस दीज बटन्स, फिजिकल बटन्स टू टर्न द लाइट ऑन, रीडिंग लाइट्स, यहाँ से आप टर्न ऑन और टर्न ऑफ कर सकते हैं। देन देयर आर टू USB-C चार्जिंग पॉइंट्स, इसको आप निकाल भी सकते हैं लाइक दिस इफ यू वॉन्ट इट, इफ यू डोंट वॉन्ट इट, इफ यू वॉन्ट टू प्लग इन द पैड, iPad और समथिंग लाइक दैट, वो भी आप लगा सकते हैं, बट दिस इज ऑल्सो समथिंग देयर। यहाँ पर सेंटर आप देखेंगे यहाँ पर इसका, यहाँ पर AC वेंट्स दिए गए हैं रियर पैसेंजर्स के लिए, इंडिविजुअल सेटिंग्स के साथ आप इनको सेट कर सकते हैं। देयर इज ऑल्सो सम स्पेस फॉर कप होल्डर एंड देयर आर ऑल्सो सम मोर USB-C चार्जिंग पॉइंट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 USB-C चार्जिंग पॉइंट ऑलरेडी हम देख चुके हैं इसमें है, आई डोंट थिंक सो इसके अलावा और होंगे। देन यहाँ पर सेंटर आर्मरेस्ट के नीचे थोड़ा और आपको मजा और आएगा। यहां पर आपको टैबलेट दिया हुआ है विच यू कैन टर्न ऑन एंड यू कैन कंट्रोल्स अदर फंक्शन, MBUX सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं यहां पर आप देखेंगे। एंड देन उसके अलावा कुछ और फीचर्स, इसमें आप मूवीज देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, तो ये सब इसमें आपको देखने को मिलेगा इसके इस टैबलेट में यहां पर जो दिया गया है। देन सेंटर में इसके अलावा यहां पर USB-C चार्जिंग पोर्ट खत्म नहीं हुए हैं, यहाँ पर आपको एक और दिया गया है, टोटल 8 एंड यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग का पैड भी देखने को मिलेगा। कुछ स्टोरेज रख की जगह है, यहाँ पर सामान आप रख सकते हैं। देन दैट्स इट इन द रियर सीट्स एंड सीट यहाँ पर काफी कंफर्टेबल हैं, उनके भी एडजस्ट करने के बटन्स दिए हैं, अराउंड 27 डिग्री ये पीछे रिक्लाइन हो सकती हैं, सो दैट इज समथिंग विच एड्स इन टू मोर कम्फर्ट लाइक यू कैन सी। And you can also adjust the thigh support and the headrest also. And memory settings के भी buttons आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ये जो यहाँ पर तीन लोगों के हिसाब से आपको memory settings के buttons यहाँ दिए गए हैं। And the same interior जो blue tone, wooden tone and with the combination of beige, ये आपको पीछे भी देखने को मिलेगा इस Mercedes की नई E-Class में। अब बात करते हैं इसमें आपको इंजन ऑप्शंस क्या दिए गए हैं और इसमें आपको प्राइस मर्सिडीज क्या ऑफर कर रही है। इंजन ऑप्शंस की बात करें तो आपको इसमें तीन इंजन ऑप्शन मिलते हैं, पेट्रोल में 2 लीटर, डीजल में 2 लीटर एंड डीजल में आपको एक ये 3 लीटर वाला इंजन ऑप्शन मिलता है एंड इससे पावर जनरेट होता है वो है 282 BHP का एंड 600 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करता है। 6.1 सेकेंड्स में 0 to 100 का आंकड़ा छूने के लिए तैयार है एंड 250 किलोमीटर पर आवर की इसकी टॉप स्पीड है। तो ये कुछ इंजन के आंकड़े हैं एंड इसके अलावा ये गाड़ी ऑडी की A6 एंड BMW की 5 सीरीज जैसी गाड़ियों से कंपीट करने वाली है मार्केट में। प्राइस इसका स्टार्ट हो रहा है 63.6 लाख से एंड इट गोज अप टू 80.9 लाख फॉर द टॉप 350D AMG वेरिएंट। सो कुछ इस तरह से दिखती है मर्सिडीज की ये नई ई क्लास। तीन इंजन ऑप्शन है, 63 से प्राइस स्टार्ट हो रहा है एंड गोज अप टू 81 लाख फॉर द टॉप वेरिएंट। कैसे लगी आपको इसके फीचर्स, हाउ डू यू लाइक द न्यू मर्सिडीज ई क्लास, डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू वॉचिंग, बाय बाय।